हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर पूजा देवान। और आप सोच रहे होंगे ऐसी डॉक्टर हैं जो कहती हैं कि वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, अपना नाम डॉक्टर पूजा देवान बताती हैं, पर इतने हार्ट्स एंड स्टार्स एंड एनिमेशन वाले बैकग्राउंड में यहाँ पर शो अटेंड करने आई हैं। वेल पूछो, मैं तो खुश हूँ। आज आपने मेरा टॉपिक देखा, मेरा टॉपिक है टेस्ट योर बेबी। और आज हम सेलिब्रेशन के मूड में हैं, सेलिब्रेशन वर्ल्ड आईवीएफ डे की। वर्ल्ड आईवीएफ डे 25 जुलाई, जब वर्ल्ड का फर्स्ट टेस्ट योर बेबी पैदा हुआ था। उनका नाम था लुई जॉय ब्राउन, कॉमनली नोन एज लुई ब्राउन। चलिए मैं ना आज कुछ कहानी सी बताती हूँ, वो कहानी के टेस्ट ट्यूब बेबी क्यों हुआ इजाद, कौन पहला बेबी था, कौन पहले पेरेंट्स थे, वर्ल्ड में कौन थे फर्स्ट, यूएसए में कौन था फर्स्ट, इंडिया में कौन था फर्स्ट, क्या कंट्रोवर्सीज थी, क्या दर्द भरी कहानियाँ थी, क्या खुशी की किलकारी थी, क्या सेलिब्रेशन थी, क्या हिस्ट्री थी, कैसे हिस्ट्री रीराइट हुई, आखिरकार ये टेस्ट ट्यूब बेबी है क्या। तो टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि आर्टिफिशियल इंटरकोर्स लोग बोलते थे पहले, जिसमें एग निकाल लेते हैं लेडी का और स्पर्म ले लेते हैं मेल का, और मेल और फीमेल के जो स्पर्म होते हैं उनको एक पहले टेस्ट ट्यूब में रखते थे, बाद में एक डिश में, पेट्री डिश में रखते थे, दोनों को रख देते हैं और कुदरती तरीके से छोड़ देते हैं मिलने के लिए। आपको पता है एक एग के आसपास 50,000 स्पर्म होने चाहिए, तब जाके उन स्पर्म्स में कंपटीशन होता है और एक स्पर्म एक एग के अंदर जाके मिल जाता है। देखिए ना कितना फर्क है। और अगर यही स्पर्म इतना केपेबल ना हो, उसके नंबर कम हो, तो फिर उस एक स्पर्म को लेके नीडल के साथ उस एग के अंदर डालते हैं, दोनों को फ्यूज कराते हैं आर्टिफिशियली, ताकि हाँ दोनों मिल तो गए, आगे बेबी जो बनेगा सो बनेगा। इसको कहते हैं इक्सी। इक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI। ये IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की ही हायर टेक्निक मानी जाती है। चलिए थोड़ी और बातें करते हैं। पहले मैं आपको ये बताती हूँ, 1978 में 25 जुलाई को एक नन्ही सी परी, एक छोटी सी गुड़िया, एक लड़की यूके में ओल्डहैम हॉस्पिटल में पैदा हुई थी, जिसका नाम था लुई जॉय ब्राउन। उनके पेरेंट्स जो थे वो 9 साल से स्ट्रगल कर रहे थे बेबी होने के लिए। उनको बताया गया था कि ये एक एक्सपेरिमेंटल टेक्निक है जिसमें हम आपको हेल्प करेंगे बेबी बनाने के लिए। उनकी तकलीफ ये थी कि जो मदर थी, लेडी थी, उसकी फेलोपियन ट्यूब्स दोनों ही ब्लॉक्ड थी। तो उन्होंने उस लेडी के अंडे निकाले, हस्बैंड का स्पर्म लिया, दोनों को मिलाया और लेडी के यूट्रस में डाल दिया। ये 3 लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। एक थे डॉक्टर, एक थे एम्ब्रियोलॉजिस्ट और एक थे क्रायोबायोलॉजिस्ट। जो डॉक्टर थे उनका नाम था पैट्रिक स्टेप्टो, जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट एडवर्ड्स, जीन पर्डी तीसरे क्रायोबायोलॉजिस्ट थे। तो ये 3 लोगों ने मिलके किया। जब बेबी बना तो सबसे पहले सरी ने देखा कि हाँ हाँ ये ग्रो कर रहा है। डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो आज हमारे बीच नहीं है। इन तीनों की थी जो 3 की तिकड़ी थी, इसमें से केवल एक सरवाइव कर रहे हैं, जो कि है रॉबर्ट एडवर्ड्स। 1978 का हुआ पहला आईवीएफ बेबी इनफर्टिलिटी की उस पॉपुलेशन को डील करता है जो कि वर्ल्ड में 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन को इनफर्टिलिटी है, यानी 10% जो दंपत्ति हैं, कपल्स हैं, उनको बेबी होने में तकलीफ होगी। क्या सारों को आईवीएफ की जरूरत है? नहीं, छोटे मोटे तरीकों से भी उनको हेल्प हो सकती है। जो एडवांस टेक्निक है वो आईवीएफ है। पर भला बताएं, 1978 की ये साइंटिफिक इन्वेंशन को 2010 में, जब 3 में से 2 लोग गुजर चुके थे, तब जाके 2010 में नोबेल पीस प्राइज मिला, जिसको लेने के लिए केवल एम्ब्रियोलॉजिस्ट रॉबर्ट एडवर्ड्स जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। आप सोचें 1978 का बर्थ,
आज 43 इयर्स की फर्स्ट IVF बेबी हो चुकी हैं। लुई ब्राउन, क्या उनके पेरेंट्स केवल इस एक बेबी से सेटिस्फाइड थे? नहीं, 4 साल के बाद उनका एक और IVF बेबी हुआ जिसका नाम था नैटाली ब्राउन। 4 साल में इतने और लोग टेस्ट ट्यूब बेबी कर चुके थे कि अब नैटाली ब्राउन यानी कि फर्स्ट IVF बेबी की रियल सिस्टर 40th IVF बेबी ऑफ द वर्ल्ड थी। आपको पता है वर्ल्ड का जो दूसरा IVF बेबी था वो प्रिसाइसली 67 डेज के बाद पैदा हुआ इंडिया में। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, ये डॉक्टर हजारीबाग उड़ीसा और बिहार के प्रोविंस के एरिया के रहने वाले थे और 50 साल की उम्र में ही इतनी बड़ी डिस्कवरी, इतनी बड़ी साइंस यानी सेकेंड IVF बेबी ऑफ द वर्ल्ड देने के बाद 1981 में 3 अक्टूबर 1978 को 67 डेज आफ्टर 25 जुलाई 1978 ये बेटी पैदा हुई थी, एक और बेटी। उसका नाम उन्होंने रखा दुर्गा। उसका असल नाम लोगों को नहीं बताया था उस वक्त और उसका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल और वो आज एक मल्टीनेशनल फर्म में एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के हैसियत से दिल्ली में काम करती है। उसके पेरेंट्स और कनुप्रिया को उनकी रिकग्निशन मिली ही नहीं तो डॉक्टर को क्या मिलती। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को बहुत अड़चनों और डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा। उनकी साइंस और उनके साइंटिफिक पेपर को इंडिया की बॉडीज ने, इंटरनेशनल बॉडीज तक पहुंचने नहीं दिया। उनको अब्रॉड ट्रैवल करके ये साइंस की डिस्कवरी को शेयर करने नहीं दिया। वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने उनको सजा दी, रेप्रिमांड किया, उनको पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेसीज के अंदर फंसा के रखा, उनकी हाहाकार करी, उनकी खिल्ली उड़ाई, उनके साथ हिपोक्रेसी करी, उनके साथ जातियां करी। हार के 3 साल के बाद 50 साल की केवल छोटी सी उम्र पे 1981 में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने आत्महत्या, सुसाइड कर लिया। उनके आखिरी शब्द थे, क्या मैं हर रोज इस कठिनाई की जिंदगी में हार्ट अटैक आने का इंतजार करूं? और उन्होंने जाके अपने आप सुसाइड कर लिया। ये तो थी उनकी कहानी, यानी वर्ल्ड के सेकेंड IVF बेबी को वर्ल्ड तक ही नहीं पहुंचने दिया गया और दुनिया को ये मालूम ही नहीं था, इंडिया में ही ये बात रह गई। इस दर्दनाक कहानी पर एक डॉक्टर की मौत एक मूवी बनाई गई जो आप लोगों को पता होगा, काफी अवॉर्डेड मूवी थी जो तपन सिन्हा ने बनाई। और आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय MBBS करे थे और उससे पहले उन्होंने BSc करी थी फिजियोलॉजी में, फिर MBBS करी थी कलकत्ता से, फिर वो एक PhD नहीं, दो PhD थे। एक PhD उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से करी रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी में और दूसरी एडिनबरा से जाके 1967 में करी जो कि रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी में थी। इतने गुणवान पर रिकग्निशन नहीं मिला। आगे की कहानी बताती हूँ। 1981 में एलिजाबेथ कार नामक अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का पहला IVF बेबी डॉक्टर हावर्ड W. जोन्स जूनियर ने पैदा किया। और आपको पता है हाल ही में 2-3 साल पहले शिकागो में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जब पहली बार वर्ल्ड की फर्स्ट IVF बेबी लुई ब्राउन और एलिजाबेथ कार USA की पहली IVF बेबी एक दूसरे को मिली। और शिकागो में उन्होंने जो बातें डिस्कस करी वो ये थी कि दोनों अपनी अपनी तरफ से वर्ल्ड की पहली पैदाइश थी। और आपको पता है एक सेलिब्रेटेड बर्थ होता है और दूसरा होता है एक अचंभा और तीसरा होता है कि क्या ये नॉर्मल होगी, क्या ये बाकी की तरह मेंटली स्ट्रांग होगी, क्या इसी तरह बाकी बच्चों की तरह की खेलेगी, दौड़ेगी, कूदेगी, खुश मिजाज रहेगी, क्या ये आगे बढ़ के पूर्णतः महिला बनेगी, क्या ये माँ बनने की कैपेबिलिटी रखती है, क्या ये आखिरकार माँ भी बनेगी या इसको भी IVF की ही जरूरत पड़ेगी फिर से माँ बनने के लिए अपनी माँ की तरह। तो ये तो ही कुछ कहानियां। आगे कहानी बताती हूँ।
इतने साल गुजर गए, इंडिया में भी एक किस्म की होड़ थी। 1986 में इंडिया का फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड आईवीएफ बेबी पैदा हुआ, जो कि बॉम्बे में हुआ। डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने करा, डॉक्टर टीसी आनंद कुमार वो आईआरआर से थे, यानी इंस्टीट्यूट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड रिसर्च, और डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा सायन कॉलेज से थी। ये दोनों ने मिलकर बहुत काम किया और 17 आईवीएफ बेबीज चाहने वाले कपल्स को उन्होंने ट्रीटमेंट दी। 18वें में सक्सेस हुआ, और ये जो सक्सेस हुआ, मणि चेवड़ा और उनके पति बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई कॉरपोरेशन के एक छोटे से मुलाजिम थे, और मणि चेवड़ा एक पार्ट टाइम टीचर थे। ये भी इस एक्सपेरिमेंटल थेरेपी से बच्चे की इच्छा रखते थे। 17 अटेम्प्ट फेल हो चुके थे, 18वां अटेम्प्ट पॉजिटिव हुआ और ये बच्चा 1986 में पैदा हुआ। इसका डिलीवरी भी डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने ही करी, और उनके साथ डिलीवरी के टाइम पर जो कि सिजेरियन सेक्शन की डिलीवरी थी, साथ में थी डॉक्टर कुसुम एल जावेरी, जो कि उनकी खासी करीबी दोस्त और सीनियर थी। इस लड़की का नाम हर्षा चेवड़ा रखा गया। हर्षा बिल्कुल खुशहाल नॉर्मल महिला है, और जैसे कि लुई ब्राउन, उसकी बहन नटाली ब्राउन, कनुप्रिया दुर्गा और हर्षा चेवड़ा, ये सारी महिलाएं बिना आईवीएफ के कुदरती तौर पर प्रेग्नेंट हुई, मां बनी और उसमें सक्षम रही। लुई ब्राउन के आज दो बच्चे हैं, 2006 में पहला बच्चा हुआ, दोनों बेटे। और उनकी जो बहन है ना, नटाली ब्राउन, दरअसल उनके बड़े जल्दी बच्चा हो गया। ये 1978 के 4 साल बाद 1982 में पैदा हुई और 40वीं आईवीएफ बेबी थी, पर पहली मां बनी जो कि आईवीएफ बेबी थी। मतलब पहला बच्चा जो आईवीएफ से हुआ था, उसमें वो पहली कुदरती मां बनी, नटाली ब्राउन। और उनके 5 बच्चे हैं आज। कनुप्रिया की भी बेटी है, हर्षा चेवड़ा की भी 2 बच्चे हैं, और डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा को ये गर्व और सुख मिला, उनको और डॉक्टर कुसुम जावेरी दोनों को, कि न केवल उन्होंने भारत का ऑफिशियल फर्स्ट आईवीएफ बेबी हर्षा चेवड़ा की डिलीवरी, कंसेप्शन और सिजेरियन से डिलीवरी कराई, बल्कि हर्षा चेवड़ा के दोनों बच्चों की भी डिलीवरी उन्होंने कराई। तो कंट्रोवर्सी क्या हुई? कंट्रोवर्सी कुछ नहीं थी। डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को उनकी राइटफुल वर्ल्ड का सेकंड आईवीएफ बेबी यानी इंडिया का फर्स्ट आईवीएफ बेबी का क्रेडिट मिला ही नहीं था। तो डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा के द्वारा पैदा हर्षा को इंडिया का पहला आईवीएफ बेबी माना गया ऑफिशियली। कुछ साल पहले करीब 2012 में टी सी आनंद कुमार जी, जो कि आईआरआर के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनके हाथ लगे कुछ पेपर्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स। उस डॉक्यूमेंट्स में बाकायदा खुलासे से कुछ हाथ से लिखे हुए खुद डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के, और कुछ बाकी साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स मिले, जहां पर पूरी तकनीक विभिन्न विभिन्न पेपर में बाकायदा तरीके से विस्तार से टेस्ट ट्यूब बेबी के होने की डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने बताई थी। इस पेपर को उनके सामने लाने में और उनकी की गई गतिशील आईवीएफ की टेक्नोलॉजी के विटनेस और उनके साथी थे डॉक्टर सुनील कुमार मुखर्जी, जो कि उनके एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे। और तब जब डिलीवरी हुई थी कनुप्रिया की, जो कि दुर्गा के नाम से कहलाई गई थी,
1978 में, यानी कि जो दरअसल भारत देश की सबसे पहली आईवीएफ बेबी और वर्ल्ड की सेकेंड आईवीएफ बेबी थी, वो शांता कुमारी भट्टाचार्य जी जो गायनोकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने सिजेरियन डिलीवरी करी थी। तो डॉक्टर सुनील कुमार मुखर्जी ने इसकी पुष्टि दी, डॉक्टर आनंद कुमार ने उनके क्रेडिट्स दिए और आज के दिन में दुर्गा कनुप्रिया को फर्स्ट आईवीएफ बेबी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड का सेकेंड आईवीएफ बेबी माना जाता है। दरअसल किसी को पता ही नहीं था कनुप्रिया कौन है, इतनी जाति, इतनी टिप्पणी, इतनी खिल्ली। 25 साल की उम्र में वो सबसे पहले बाहर आई और उन्होंने कहा कि मैं दुर्गा हूं, मैं कनुप्रिया अग्रवाल हूं। ये रही हमारी कहानी। और फिर आपने तो सुना ही होगा कि टेस्ट ट्यूब बेबी में कई बार जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। तो पहला जुड़वा बच्चा जो हुआ वो 1992 में हुआ। उससे पहले तक कभी जुड़वा बच्चे हुए ही नहीं थे। शायद हर बारी एक ही बेबी अंदर डालते थे, एक से ज्यादा नहीं डालते थे, तो जुड़वा बच्चे कभी हुए ही नहीं थे। तो उसके चैलेंजेस और उसका होना समझ में आया। यह सब कुछ हुआ आईवीएफ की तकनीक से। फिर एक दिन 1992 में ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन पैलर्मो ने पहली बार किया। दरअसल वो दोनों स्पर्म और अंडे को मिला रहे थे और कहीं उनसे सुई के साथ वो स्पर्म पुशिन हो गया एग के अंदर और वो जाके फर्टिलाइज हो गया और तब इजाद हुआ ICSI का टेक्निक। तो ICSI का टेक्निक खासा उन लोगों के काम आया जिनकी स्पर्म काउंट बहुत कम थे, खासकर कि अगर 5 मिलियन से कम हो, या जिनके स्पर्म्स को टेस्टिकुलर बायोप्सी से निकाला जाए, या जिन स्पर्म्स में हिलने जुलने की क्षमता ज्यादा नहीं है, या जिन महिलाओं के अंडे तो हैं, चाहे स्पर्म्स भी अच्छे हैं, पर अंडे का जो शेल है, जो आउटर कोटिंग है, वो बहुत हार्ड या बहुत मोटी है, तो सुई के जरिए उसको अंदर डाला जाता है। देखा कितनी दिलचस्प है ये कहानी जो मैंने आपके साथ सारी शेयर करी। आपको ये भी बताऊं कि नॉर्थ इंडिया में, यानी उत्तर भारत में, सबसे पहला आईवीएफ बेबी सर गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ, डॉक्टर मोहिंदर कोचर से। और मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं उनकी शिष्या रही हूं, मैं उनकी स्टूडेंट रही हूं। वेस्टर्न इंडिया में, यानी कि पश्चिमी भारत में, तो मैंने आपको बताया कि मुंबई में डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा ने आईवीएफ बेबी किया था। और अगर आज हम दक्षिण भारत की बात करें, डॉक्टर कमला सेल्वराज, उन्हें सबसे पहला आईवीएफ बेबी किया था। और जब हम पूर्वी भारत की बात करते हैं तो अब तो हमें पता ही है कि डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने सबसे पहला आईवीएफ बेबी किया इंडिया में। तो दूसरा हुआ डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा के द्वारा इंडिया में। पूर्वी भारत में डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के बाद डॉक्टर बीएन चक्रवर्ती, बैद्यनाथ चक्रवर्ती, जो मेरे गुरु रहे हैं, जिनसे मैं सीखी हूं, उन्होंने दूसरा पूर्वी भारत का आईवीएफ बेबी किया। तो जब तक रिकग्निशन डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय को नहीं मिला था, तो डॉक्टर बीएन चक्रवर्ती पहले आईवीएफ बेबी के निर्माता माने जाते थे पूर्वी भारत में। और आपको पता है डॉक्टर बीएन चक्रवर्ती का खासा लगाव और दोस्ती थी डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय के साथ। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था टेस्ट ट्यूब बेबी में। वो तो जब डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की मृत्यु हो गई तो उन्होंने उसको उनको झिंझोड़ दिया और उन्होंने सोचा कि हाँ, मुझे भी टेस्ट ट्यूब बेबी का ये निर्माण करना है और मुझे इसे अचीव करना है। चलिए, ये रही सारी कहानी। इसी के साथ आपसे लेती हूँ विदा। नमस्कार। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब चैनल डॉक्टर पूजा दीवान गायनी चैट। इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। हैव अ गुड डे। नमस्कार।